एक तरह से एनडीए श्रद्धेय अटल जी की एक और विरासत है जो हमें जोड़े हुए है। एनडीए के निर्माण में आडवाणी जी ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई थी और वो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारे प्रकाश सिंह बादल जी हों, बाला साहब ठाकरे जी हों, जॉर्ज फर्नांडिस जी हों, रामविलास पासवान जी हों, अजीत सिंह जी हों, शरद यादव जी हों, सभी ने अपनी अपनी तरह से एनडीए को मजबूती देने का काम किया। आज प्रकाश सिंह बादल जी और बाला साहब ठाकरे जी के सच्चे अनुयायी भी हमारे बीच में हैं। हाल में ही एनडीए के गठन के 25 साल पूरे हुए हैं। ये 25 वर्ष देश की प्रगति को गति देने और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के रहे हैं, यानी राज्यों के विकास से राष्ट्र का विकास। इस मंत्र को एनडीए ने निरंतर सशक्त किया है। इस यात्रा में जो पुराने साथी रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। भविष्य की यात्रा के लिए जो नए साथी आए हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। साथियों, एनडीए के 25 वर्षों की इस यात्रा के साथ एक और सुखद संयोग जुड़ा है। ये वो समय है जब हमारा देश आने वाले 25 वर्षों में एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ा रहा है। ये लक्ष्य विकसित भारत का है, आत्मनिर्भर भारत का है। कोटि कोटि भारतीय आज नए संकल्पों की ऊर्जा से भरे हुए हैं। इस महत्वपूर्ण कालखंड में एनडीए की बहुत बड़ी भूमिका है। एक तरह से ये नई ऊर्जा से भरी हुई त्रिशक्ति है। एन से न्यू इंडिया के लिए, डी से डेवलप्ड नेशन के लिए, ए से एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड रीजन के लिए आज देश का गरीब, देश का मध्यम वर्ग, देश के युवा, महिलाएं, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी सभी का विश्वास एनडीए पर है।